नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह वेलकम करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक रणनीति के साथ आई हूं और उस रणनीति में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी करनी है और कैसे हमें 2020 में कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी क्योंकि कांस्टेबल एक ऐसी वैकेंसी है जिसका हमने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया था। जैसे 2017 में लास्ट टाइम ये आई थी, ये आप सभी को पता होगा, और 2018 में नहीं आई, 2019 में नहीं आई और 2020 में अब हमें इसके जानकारी मिली है इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, समय काफ़ी कम है हमारे पास यदि समय को देखा जाए तो, और इसकी जो तैयारी है इसकी तैयारी पर आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें इसका पेपर निकालना रहेगा। पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप पोस्ट को लेके थोड़ा नर्वस हो रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे इतनी कम पोस्ट आई है। हाँ, पोस्ट भले ही कम है लेकिन अब आई है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी ताकि पोस्ट कितनी भी हो उसमें से एक पोस्ट हमें मिल सके। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट्स को लेकर और इस साल 2020 के कॉम्पिटिशन को लेकर। दोस्तों, सब्जेक्ट में आज हम ये बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। इन सारी चीज़ों पर आज मैं बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी ही चीज़ें बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम यदि कोई जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और मैं सबसे पहले अभी बात करने वाली हूँ कंपटीशन के ऊपर कि इस साल 2020 में कंपटीशन क्या होगा। तो दोस्तों, 2017 में जैसे कि आपको पता है वैकेंसी आई थी और तब 14,088 पोस्ट आई थी और पूरे एक महीने तक पेपर चला था। 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 18 अक्टूबर तक पूरे एक महीने तक पेपर चला था और 9,75,000 प्लस फॉर्म भराए थे इसमें। कितने भराए थे? 9,75,000 प्लस फॉर्म भराए थे इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि 2017 में यदि कंपटीशन इतना हाई था तो अब 2020 में क्या होने वाला है और पोस्ट भी काफ़ी कम है तो सबको अपनी पोस्ट के लिए फाइट करना है। इस बार आप मान के चलिए 11 से 12 लाख फॉर्म कम से कम इसमें भराए जाएंगे और जो कट ऑफ है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी हाई भी जाने वाला है। तो कट ऑफ को तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने यहाँ पर आपको केवल ये बताया है कि कंपटीशन इस बार का क्या होगा। एक चीज़ और बता दूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। अगर आपने मेहनत की ना तो आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। बस हाँ, जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है आपको वैसे वैसे ही करना रहेगा क्योंकि पढ़ना है तो टीचर की ज़रूर सुननी पड़ेगी आपको। तो वीडियो को एंड तक भी देखिएगा, सारी जो टेंशन है जो अभी थोड़ी बहुत होगी भी ना वो दूर हो जाएगी। अब मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों सब्जेक्ट के ऊपर कि पेपर कितने नंबर का आता है। तो भाई पेपर ना 100 नंबर का आता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। पेपर 100 मार्क का आता है जो कि तीन कैटेगरी में डिवाइड रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सामान्य ज्ञान और तार्किक योग्यता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि इन दोनों के मिक्सअप से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न एक नंबर का होगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक योग्यता से 40 प्रश्न आने हैं। अब सामान्य ज्ञान से कितने आएंगे, तार्किक योग्यता से कितने आएंगे, ऐसा कुछ भी व्यापम ने अभी तक नहीं बताया है। तो फिर भी लास्ट टाइम को यदि हम देखेंगे तो लास्ट टाइम 18 से 20 नंबर की जीके आई थी और 18 से 20 नंबर की ही रीजनिंग आई थी। अब देखते हैं आगे, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इससे आए थे 30 नंबर के प्रश्न। बौद्धिक क्षमता यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन आए थे 22 से 23 नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पेपर निकलवाएगा। आपका जो कांस्टेबल का पेपर निकलेगा वो मैथ्स और रीजनिंग के दम पर ही निकलेगा क्योंकि दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है कि हाँ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन आना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आना ही है। लेकिन सामान्य ज्ञान या जीके में ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने एमपी की रिवर पढ़ी है तो उससे क्वेश्चन आएगा ही, वो कन्फर्म नहीं होता है। तो पेपर आपका निकालेगा मैथ्स और रीजनिंग क्योंकि लास्ट टाइम 60 से 65 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स और रीजनिंग के ही थे, आधा से ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है ये आपका, तो ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या देख रहे थे कि मैथ से 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और बाकी का जो पार्ट बचेगा 6 से 7 नंबर का या 7 से 8 नंबर का वो उसमें पूछा जाएगा आपसे मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि रीजनिंग के टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हालांकि बहुत आसान आते हैं।
इसमें मानसिकता का चेक किया जाता है और उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट। नीचे सबसे लास्ट देखिएगा, विज्ञान लिखा है यहाँ पर, जिससे 16 से 17 नंबर के क्वेश्चन आए थे और 13 से 14 नंबर के पूछे गए थे प्रश्न अंक गणित के। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट था और 100 मार्क का पेपर हुआ था। अब मैं बताने वाली हूँ आपको पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे बात करें हम अब सामान्य ज्ञान एवं तार्किक योग्यता की दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन आए थे एमपीजी के, जैसे अब व्यापम की बात होती है तो हमें यही लगता है कि व्यापम है तो एमपीजी के पढ़ना ही है, तो और वो चीज़ बिल्कुल सही भी है, आपको एमपीजी के पूरा घोटना है, पढ़ना ही है और पूरा डिटेल में पढ़ना है, और टेंशन नहीं लेना, आपको सारी वीडियो डली है एमपीजी के की और अभी और भी वीडियो आने वाली है आपके लिए कॉन्स्टेबल के लिए, तो वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ सामान्य ज्ञान के ऊपर। तो सबसे पहले आप एमपी कवर करोगे, एमपी का जीके, ठीक है, क्या कंप्लीट करना है एमपी का जीके, उसके बाद एमपी का करंट अफेयर भी आप पढ़ोगे। दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, जैसे कि हो गया आपके डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर डेज से आता ही है हर एग्जाम में, और स्टैटिक जीके भी आपको कवर करके चलना है। ये तो हो गई दो चीज़ें, एक तो एमपी जीके और उसी में मैंने करंट अफेयर ऐड कर लिया, दूसरा मैंने बोला है स्टैटिक जीके जिससे क्वेश्चन आए थे। तीसरे नंबर पर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी एक पार्ट होता है जीके का, तो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर सेट में हमको मिले ही थे। ये तो हो गया हमारा दूसरी चीज़। अब मैं बताती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक अभी बताया ना, इन टॉपिक को पहले आप कवर करोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ पे जाओगे, जैसे अदर सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इन सारी चीज़ों पे आप बाद में जाओगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सामान्य ज्ञान की, जिसमें 18 से 20 नंबर इन्हीं के ही पूछे गए थे। दोस्तों तार्किक योग्यता जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो टॉपिक थे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी थी, उन्होंने खुद ही ने पूरा रिलेशन बना के दिया था, बस हमें देखना था, पढ़ना था और ऑप्शन को देखकर पहचान करनी थी। सिलॉग के 4 नंबर के क्वेश्चन हर सेट में मिले थे, तो सिलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपका। हालांकि सिलॉग का टॉपिक समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, पर यदि एक बार आपने समझ लिया तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगते हैं। 4th नंबर पर दोस्तों है कैलेंडर, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर सेट में मिला था। कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे हर सेट में। तो कंप्लीट द सीरीज में दोस्तों नंबर दिए रहते हैं और वो सीरीज को आपको कंप्लीट करना रहता है ब्लैंक स्पेस को देखकर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंप्लीट द सीरीज में मिलेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट, इससे क्वेश्चन आया था 1 से 2 नंबर का। ऑड वन आउट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ऑड वन आउट से आए थे, जिसमें नंबर लिखे रहते हैं और जो ऑड रहता है हमें उसको फाउंड करके बताना रहता है, फाइंड करना रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। लेटर्स कोडिंग, लेटर्स कोडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा पी क्यू, फिर ये ब्लैंक स्पेस हो गया, फिर मैंने बोला क्यू पी, फिर पी, फिर ब्लैंक स्पेस, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना इसको फिल करना रहता है, तो ये भी मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करना सिखाया था। तो लेटर्स कोडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं और लास्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैथ्स का टॉपिक है लेकिन रीजनिंग में पूछा गया था तो हमें इसको भी कवर करना रहेगा। तो ये तो भी बात कर ली मैंने रीजनिंग के, जहाँ से 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब आती हूँ मैं थोड़ा आगे, जिसमें हमें देखना है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जिससे आए थे दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न। अब बौद्धिक क्षमता में कैसे क्वेश्चन पूछे थे और मानसिक अभिरुचि में, तो देखो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि मानसिक अभिरुचि में क्या होगा, तो मैं पहले बता दूं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न एक मैंने ऐड कर दिया है आपको आइडिया लगे, ताकि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, तो लिखा है एच आई जे के और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है, तो हमें पता है ना एच आई जे के बाद क्या आता है, एल आता है, पर यहाँ पे सारे नंबर को, सारे अल्फाबेट को देखिएगा थोड़े अलग डायरेक्शन में उल्टे दिख रहे हैं आपको, तो वैसे ही आपको एल ऐसा नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा, 4th ऑप्शन आंसर गलत है ना, आपको आंसर फर्स्ट वाला लगाना है, एल इसमें ऐसा बनेगा। तो ये आपकी मानसिकता का चेक होता है वहाँ पर, और मानसिकता के लिए 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अब देखते हैं हम बौद्धिक क्षमता के बारे में कि बौद्धिक क्षमता मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेंटल एप्टीट्यूड की, जिसमें परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, एलजेब्रा। व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हैं, हालांकि एलजेब्रा मैंने एडवांस का लिख दिया है, उसमें पूछा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है,
तो ये जो टॉपिक दोस्तों मैंने लिखे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो आप ये सारे टॉपिक को पहले कवर करिएगा, ठीक है। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड की बात हो गई और मैंने रीजनिंग मानसिक अभिरुचि के बारे में भी आपको बता दिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, हम देखेंगे विज्ञान और सरल अंकगणित। दोस्तों विज्ञान में आपको तीन चीजें पढ़नी रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 16 से 17 नंबर के क्वेश्चन बने थे, तो आपको 16 से 17 नंबर कवर कराएगी विज्ञान यानी साइंस। अब सरल अंकगणित, अभी हमने मैथ्स देखी थी और इसमें भी आ गया सरल अंकगणित, सरल लिखा है तो ये बिल्कुल मत सोचना बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। व्यापम जो लेवल हमेशा देती है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देगी, हालांकि इतना हार्ड भी नहीं रहता है। यदि किसी की मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आराम से पेपर निकल जाएगा। तो सरल अंकगणित में दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसमें एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको एडवांस भी पढ़ना होगा और कुछ जो मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं ना इसके भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यदि अब बात करें हम फाइनल सिलेक्शन की, ये तो हो गए टॉपिक्स और ये हो गए सब्जेक्ट की कहाँ से क्या बनना है और किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं बात करने वाली हूँ सिलेक्शन की। तो दोस्तों सिलेक्शन आपका ना केवल 2 सब्जेक्ट दिला रहा है, एक तो मैथ्स और एक रीजनिंग, क्योंकि आधे से ज़्यादा मार्क्स के तो यही आ रहे हैं। तो पहले आप इसको फोकस करिए, इसके बाद धीरे धीरे करके भी अगर आप जीके पढ़ोगे तो वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी अगर आपको आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे आता है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही तो आइडिया लगेगा, तो मैंने ना 2 सेट अभी डाले भी हैं, एक जीके का डाला है और एक रीजनिंग का डाला है, बाकी भी मैं अभी सीरीज चला ही रही हूँ। तो आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। तो आज की वीडियो की जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक बताए हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो करें और कंपटीशन को भी ध्यान में रखें, क्योंकि कंपटीशन को ध्यान में रखोगे तो थोड़ा आपको भी लगेगा नहीं मुझे मेहनत करनी है, तो आप पढ़ाई भी करोगे, सीरियसली भी करोगे। और आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करिएगा यदि लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।